पांवटा साहिब में सिलाई के पूर्व विधायक का पीएसओ, नायब तहसीलदार के पत्नी व बेटा सहित 10 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। बुधवार दोपहर मिली जानकारी के अनुसार सिलाई के पूर्व विधायक व प्रदेश खाद्य आपूर्ति निगम के उपाध्यक्ष के पीएसओ सहित 10 नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं। संक्रमण के नए मामलों में कमरों के नायब तहसीलदार की पत्नी व बेटा भी संक्रमित हैं। इनके अलावा पांवटा साहिब व आसपास के क्षेत्रों से 10 नए कोरोना संक्रमित पाए जाने की सूचना है। इससे पूर्व देर रात विभागीय सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार पांवटा साहिब व आसपास के इलाकों से 10 नए संक्रमण के मामले पाए गए हैं। सभी लोग ऊर्जा मंत्री या बलदेव तोमर के संपर्क में थे। बता दें कि पांवटा साहिब में कोरोना का कहर जारी है। देर रात से अब तक 17 नए मामले आए हैं। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए पांवटा साहिब से धीरज चोपड़ा।